अजी सुनते हो, बच्चों के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। कुछ सोचा है बच्चों के बारे में? बिल्कुल सोचा है जी, मुझे भी बच्चों की चिंता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन से स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराया जाए। आप ज्यादा ना सोचिए, मैं कहती हूँ बच्चों का भविष्य बनाना है तो बच्चों का एडमिशन सिर्फ किड्स कॉर्नर स्कूल में ही कराइए, क्योंकि किड्स कॉर्नर स्कूल में ही मेरे बच्चे बेहतर शिक्षा पा सकेंगे। Extraordinarily, but we teach ordinary things extraordinarily well. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता, Voice TV यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर, फिरोजाबाद। लगातार हो रही लूट को लेकर फिरोजाबाद पुलिस हुई सख्त। 7 अप्रैल को हुई दंपत्ति के साथ हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा, एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बता दें, 7 अप्रैल को संजय अपनी पत्नी सरिता के साथ गांव मटसेना के लिए जा रहा था, तभी आमरी पुलिया के समीप 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने संजय और उसकी पत्नी को रोक लिया और लूट की घटना को अंजाम देते हुए उसकी पत्नी की 3 अंगूठी, मंगलसूत्र, अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। वहीं लगातार लूट की घटना होने से एसएसपी आशीष तिवारी के लिए ये एक चुनौती सी बन गई कि लगातार लूट की घटनाएं हो रही हैं और लुटेरे गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं। इसको लेकर आज शिकोहबा थाना क्षेत्र में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया तो 7 अप्रैल को लूट की घटना को अंजाम देने वाले लुटेरे संदीप को गिरफ्तार कर लिया, जो कि करहल का रहने वाला है, जिसके पास पुलिस ने एक तमंचा बरामद किया है और लूटा हुआ सामान बरामद किया है। वहीं इसका दूसरा साथी अतुल अभी फरार है, उसकी पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि भले ही पुलिस ने 7 दिन पहले हुई लूट का खुलासा कर दिया हो और लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन थाना उत्तर क्षेत्र में कल हुई स्वर्णकार महेश वर्मा की घटना ने एक बार फिर पुलिस पर यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर पुलिस क्यों लुटेरों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। अंदर किस तरह के आरोपी था और कितने आदमी पकड़े गए? देखिए, 7 तारीख को जो शिकोहाबाद के आमरी पुलिया के पास एक लूट हुई थी, जिसके मद्देनजर अपने कप्तान साहब के निर्देशन में गहन चेकिंग चल रही थी। चेकिंग में हमने एक संदिग्ध आरोपी जिसका नाम संदीप है उसको गिरफ्तार किया। पूछताछ में ये पता चला कि ये करहल का निवासी है, ये यहाँ पर अपने ससुराल में आया था और इसने दिन दहाड़े उस लूट में उसका जो अंजाम होता है वो दिया था। और जब चेकिंग के बाद इसके जो सामान बरामद हुए उसमें हमें एक तमंचा मिला, 3 जिंदा कारतूस मिले और 3 जो अंगूठी होती है वो मिली और 1 मंगलसूत्र मिला और 1 मोटरसाइकिल मिली। सर, किसके साथ लूट की थी, कैसे लूट को अंजाम दिया था? ये 2 लोग थे जो दोनों करहल के निवासी हैं, एक अतुल है और एक संदीप है। ये दोनों वहाँ से आए, इन्होंने जो दंपत्ति था उनको लूटा और लूटने के बाद ये वहाँ से चले गए और संदिग्ध चेकिंग में इनका एक जो साथी था वो फरार हो गया है। क्या आपराधिक इतिहास है? इनके 8 मुकदमे हैं जो करहल में भी हैं और करहल में और शिकोहाबाद मैनपुरी दोनों तरफ मेंशन है। लजीज और टेस्टी खाना खाना है तो आइए अपने नानक फूड कोर्ट एंड फैमिली रेस्टोरेंट पर, जहां आपको मिलेगी टेस्टी और यमी सोया चाप, तंदूरी चाप, टेस्टी पनीर टिक्का, पंजाबी तंदूरी पराठा स्पेशल। आपकी चाप बहुत अच्छी है, पनीर टिक्का बहुत अच्छा है और पनीर मुझे बहुत ही गुड क्वालिटी है। मुझे तो नानक फूड कोर्ट का खाना काफी पसंद आता है। कृपया आइएगा जरूर नानक फूड कोर्ट एंड फैमिली रेस्टोरेंट पर। एक बार आएंगे तो बार बार आने का करेगा मन। हमारा पता है दाऊजी रेस्टोरेंट के सामने, एमजी रोड, फिरोजाबाद। ओवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सीबी मार्केट के पीछे, बाईपास रोड, फिरोजाबाद। शांत सुरम्य वातावरण, शहर के बीच भव्य विद्यालय का भवन, साफ स्वच्छ हवादार एवं सुंदर फर्नीचर से युक्त कक्षाएं, सुसज्जित प्लेवे, आंतरिक एवं बाहरी खेलों की व्यवस्था, स्वच्छ पीने योग्य जल की व्यवस्था, योग्य एवं अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं, विशाल खेल परिसर, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त अध्यापन की व्यवस्था,
संस्कार एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों की कौशल क्षमता का विकास, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अध्यापन कार्य, कक्षाओं में विद्यार्थियों की सीमित संख्या, व्यावहारिक शिक्षण हेतु समय समय पर विद्यार्थियों को भ्रमण हेतु लेके जाना, कम खर्च व कम फीस में अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को लेने और छोड़ने हेतु उचित वाहन व्यवस्था।